बस स्टैंड पर चार बदमाशों ने युवक पर की फायरिंग। गोलीबारी की आवाज़ सुनकर दुकानदार ने दुकान बंद की। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। चलिए अगली बड़ी खबर। इंदौर लॉजिस्टिक पार्क को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया निरस्त की। कोर्ट ने कहा SDM को बड़े मामले में सुनवाई करने का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर। विश्व थाना में दर्ज हुआ मामला। ग्वालियर में एक युवती को उसके बॉयफ्रेंड ने ब्लैकमेल किया। बॉयफ्रेंड ने प्यार का इजहार किया और शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान उसने गर्लफ्रेंड ने न्यूज फोटो वीडियो शूट कर लिया। चलिए अगली खबर। दो राउंड की बैठक पूरी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश से 2044 का एजेंडा मांगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही 2047 तक का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के केंद्र सरकार ने एजेंडे पर मध्य प्रदेश को काम पूरा कर लिया। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग ने रिजोर्स इंफ्रा अर्बन हेल्थ एग्री। चलिए अगली खबर। रीवा में सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी। शुक्रवार रात ने पुलिस ने हाका निकाला। रीवा में शाम ढलते ही सार्वजनिक स्थल पर होने वाली नशाखोरी थमने का नाम ही नहीं ले रही। शुक्रवार रात पुलिस ने दलबल के साथ शहर भर में हाका निकाला, जिसमें CSP रितु उपाध्यक्ष के नेतृत्व में शहर के सभी स्थानों के प्रभारी शामिल हो। चलिए अगली खबर। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर कार्यशाला। नए कानून मोब लीसिंग अब अलग अपराध बनाने की तो होगी सामुदायिक सेवा की सजा।